त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी सहित मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि 14 मई शनिवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान का कार्य शुरू हो गया। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर लोगों का आगमन होना शुरू हो चुका है। मतदाता लाइन में कतारबद्ध होकर अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं। बता दें कि भारी संख्या में सुबह सुबह महिलाओं समेत पुरुष मतदान में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाता लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गांव की सरकार बनाने को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि 14 मई शनिवार को साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड क्षेत्र, बरहरवा प्रखंड क्षेत्र और पटना प्रखंड क्षेत्र में पहले चरण के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। और इस वक्त आप जो है वो मतदान के लिए आए हुए हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हम मतलब मेरा पहला वोट है मतलब। और कैसे प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं आज इस बार? कुछ पढ़े लिखे? हम तो उन्हीं को देंगे जो मतलब पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आदमी का तैयार कर रहा हो, उन्हीं को हम चुनेंगे। हम पहला मत देंगे आज। हाँ, पहला तो। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। घर? घर छोटा लहंडा, पंचायत बड़ा। लोहंडा पंचायत नहीं, क्या है बड़ा तो फिर पंचायत, लेकिन हम छोटा लोहंडा से यहाँ से वोट दे रहे हैं। तो इस बार कैसे प्रत्याशियों को जो है इस बार चयन करेंगे? प्रत्याशी जो अच्छा काम करे, गांव का विकास करे, उस टाइप का हम लोग चाहते हैं। कब मुखिया का चुनाव? कब से लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में हम लोग सुबह से ही लगे, 6-7 बजे। प्रशासन साहिबगंज की ओर से पूर्व से तैयारी कर ली गई है ताकि निष्पक्ष ढंग से मतदान हो, किसी भी तरह का बूथ पर समस्या नहीं हो, इसके लिए काफ़ी मात्रा में पुलिस बल पदाधिकारी तैनाती की गई है। और मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, अपने ईमानदार छवि के विकासशील मुखिया को चुनने के लिए सभी लाइन में लगे हुए हैं ताकि हमारा राज्य का विकास हो सके। तो सर कौन सा बूथ संख्या पे आप मौजूद हैं? ये बूथ नंबर 18 जो बोरियो प्रखंड के अंतर्गत तोफी पंचायत का है।